अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मेरी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है। जो वीडियो मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थॉमस ब्यूगल ने लिखी है उसकी किताब के चैप्टर नंबर 17 के 1-7 क्वेश्चन आपको उसके सोल्यूशन के साथ समझाए थे, तो अब उसी कंटिन्यूएशन में अब जो आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उस बुक के, जो कि 8-12, वो मैं आज समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, देखिए, सबसे पहले क्योंकि जैसे कि हम क्वेश्चन से आगे पढ़ते जाएंगे तो नए नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, तो मैं साथ साथ उन कॉन्सेप्ट को भी समझाते हूँ। तो अभी जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले आर्बिट्रेज को थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये आर्बिट्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन। आर्बिट्रेज मीन्स के अक्सर ऐसा होता है, और कुछ आप कहने का कहते हैं जो एक्सचेंज के अंदर जो थोड़ी नॉलेज रखते हैं या जो ब्रोकर्स होते हैं और जो समझते हैं, जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड में खेलते हैं, कुछ गोल्ड का बिजनेस करते हैं, तो कुछ करेंसीज का बिजनेस भी करते हैं, कुछ कमोडिटीज़ का बिजनेस करते हैं ऐसे लोग। तो जो करेंसी वाले होते हैं उनका ये सिनेरियो होता है कि वो आर्बिट्रेज तलाश करते हैं। आर्बिट्रेज मीन्स प्रॉफिट, कि किस तरीके से अपना प्रॉफिट बनाया जाए। अच्छा, अब ये प्रॉफिट उस वक्त आता है जब उनके पास करेंसीज के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर उनके प्रिवेलिंग रेट्स को देखते हुए वो अपने उस प्रॉफिट को बनाते हैं। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का मकसद ये है कि वो तीन करेंसीज को देखते हुए वो आर्बिट्रेज कमाते हैं, यानी समझें कि एक करेंसी को पहले दूसरी में कन्वर्ट करा, फिर दूसरी को तीसरी में कन्वर्ट करा, और फिर अल्टीमेटली तीसरी वाले को वापस से पहली में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको हम ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जो हम अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखें, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जी आपके पास जो है वो तीन रेट्स दिए हैं पहले, तो ये रेट्स पहले हम देख लेते हैं। एक है 0.01 येन, 0.01 डॉलर पर येन, फिर है 0.20 डॉलर पर क्रोन, और तीसरा है 25 येन पर क्रोन, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या होगा, अब देखें तीन करेंसीज लिखी हुई हैं। तीन करेंसीज किस तरीके से लिखी हुई, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया था। इनका कहना ये है कि जनाब 0.01 डॉलर जो है वो पर येन है, एक तो ये हो गया। दूसरा है जी 0.20 पर क्रोन है, ठीक है, और तीसरा हो गया जनाब, क्या है तीसरा, ये जी 25 येन पर क्रोन, ओके। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो ये है कि आपके पास ये तीन करेंसी इस तरीके से हैं कि आप इसको चाहें तो आप इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल तरीके से भी ले सकते हैं, रेसिप्रोकल टर्म में भी ले सकते हैं, यानी जैसे कि 0.01 डॉलर पर येन है तो आप इसको येन में भी ले सकते हैं। तो वो येन में कितना होगा, आपको सिंपली क्या करना है कि 1/0.01 कर लेना है, तो ये हो जाएगा येन पर डॉलर। तो जब आप इसको करेंगे तो जो इसका आंसर आना है वो आएगा आपके पास, मैंने इसको पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, वो आ जाएगा जनाब 100 येन पर डॉलर, ठीक है। एक येन की करेंसी में भी आपको चीज़ मिल रही है, क्योंकि देखें करेंसी जब भी लिखी जाती है तो वो कंपैरिजन में ही लिखी जाती है, क्योंकि अगर आप करेंसी कह रहा हूँ, एक्सचेंज रेट जब भी लिखा जाएगा तो किसी ना किसी के कंपैरिजन में लिखा जाएगा, तभी तो पता लगेगा कि वो एक्सचेंज रेट है। तो यहाँ पर आपको येन का रेट पता चल रहा है जी, कि डॉलर के हिसाब से, कि अगर मैं एक डॉलर होता है तो वो एक डॉलर कितने येन के बराबर है, 100 के, और अगर उसको दूसरे टर्म में कहें तो उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि जी एक येन 0.01 डॉलर के बराबर है। अच्छा, अब दूसरा कर लेते हैं जी क्रोन। क्रोन भी ये मुझे याद नहीं आ रहा कि किस कंट्री का, क्योंकि जैपनीज तो येन होता है, क्रोन शायद स्विट्जरलैंड का होता है, उसका स्विस फ्रैंक होता है, क्रोन शायद स्वीडन का होता है, तो खैर उसकी जो करेंसी होगी, बहरहाल हम जो मेन उसका टॉपिक है वो ये है कि देखें दूसरी करेंसी लेट्स सपोज क्रोन है। अब इसको जब हम करेंगे अगेन, इसको यूँ ही करना पड़ेगा कि 1/0.2, तो ये हो जाएगा 1 क्रोन और ये 0.20 डॉलर। जब आप इसको कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5 क्रोन पर डॉलर, और तीसरा वाला क्या है 25, ये सॉरी ये मैंने डॉलर लिख दिया इसको, ये येन है, ठीक है, 25 येन पर क्रोन। तो अगर आप इसको उल्टा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जनाब, 1/25, तो वो बन जाएगा 0.04 क्रोन पर येन। अब किसी भी बंदे को इन तीन करेंसीज को देखते हुए आर्बिट्रेज तलाश करना है, यानी इसका मकसद ये है कि लेट सपोज उसके पास थे डॉलर, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है सवाल में वो भी अगर हम देखें तो वो यही कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर ईच डॉलर यूज इनिशियली।
अगर वो डॉलर से स्टार्ट करता है तो फिर क्या होगा? तो जनाब चलिए दो तरीके हैं डॉलर से स्टार्ट करने के। क्या? पहला तरीका ये है कि जनाब डॉलर से वो कन्वर्ट करे अपनी करेंसी को येन में, देन क्रोन के अंदर, और देन अगेन उस तीसरी करेंसी को फाइनली पलट कर डॉलर के अंदर ले आए। तो इसीलिए इसको ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज कहते हैं, कि जैसे हम यूँ लिख सकते हैं इसको, क्रोन और देन अगेन डॉलर। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होगा? डॉलर, क्रोन, येन और देन अगेन डॉलर। अब इन दो में से कोई एक तरीका हो सकता है कि जिससे इसको प्रॉफिट हो रहा होगा। चलें दोनों को तरीकों करके देखते हैं। जनाब पहले आपके पास, लेट सपोज आपके पास है $1, बहुत सिंपल करते हैं इसको ना। अब $1 से देखें, हमें सबसे पहले अगर हम ये वाले को लेते हैं तो हम कहेंगे जी येन में कन्वर्ट करो। अब देखें आपको पता है अगर $1 आपके पास है तो यहाँ आपको ये बात पता चल रही है कि $1 कितने के बराबर है, 100 येन। तो यानी आपके पास आ गए, क्या आ गया आपके पास जनाब, आपके पास आ गए 100 येन। ठीक है, और अब इस 100 येन को आपने करना है कन्वर्ट क्रोन में। तो यहाँ आ जाएं फौरन से, इसका रेट देखें येन का, क्योंकि इस मैंने इसलिए कन्वर्ट करा लिया कि तक आसानी होगी आपके पास। तो अब आपके पास येन का रेट भी मौजूद है कि 1 येन है 0.04 क्रोन के बराबर। तो 100 येन कितने के बराबर होंगे, तो सिंपली 0.04 क्रोन को मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आएगा आपका 4 क्रोन। अब आपके पास आ गए 4 क्रोन। अब इस 4 क्रोन के बाद आपको क्या करना है, इस क्रोन को आपने अगेन डॉलर में कन्वर्ट करना है। अब आप चले हैं क्रोन के रेट के ऊपर, तो आपको पता है कि पर क्रोन कितने का था, 0.20 क्रोन का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 4 क्रोन है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको 0.20 क्रोन से। ठीक है, तो आपके पास आ गया आंसर $0.8। इट मींस कि ये ट्रांजेक्शन हो गई कंप्लीट। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखें $1 से आपने कन्वर्जन शुरू करी है और अल्टीमेटली जब आप एंड पॉइंट पे पहुँचे हैं तो यू विल रिसीव ओनली $0.8, विच मींस यू हैव रिसीव लेस अमाउंट। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, इसमें लॉस हो गया। यानी ये जो तरीका था येन से कन्वर्ट करने का, ये तो हो गया फेल। अब आ जाते हैं दूसरे पे, क्योंकि फाइनली होगा यकीन, क्योंकि दो ही हमारे पास ऑप्शन और तीन करेंसी में दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या है, अगेन $1 से स्टार्ट करते हैं, पर अब पहले क्रोन लेंगे भाई। तो पहले क्रोन आप देख लेंगे, पर क्रोन कितने का पड़ रहा है डॉलर, एक क्रोन, $1 में आपको कितने क्रोन आ रहे थे, 5 क्रोन आपको मिल गए, 5 क्रोन। ठीक है, अब 5 क्रोन, अब आपको पता है कि जी क्रोन को येन में कन्वर्ट करना है, यहाँ से रेट ले लें ये वाला। तो जी पर क्रोन कितने का था, 25 येन का, तो 5 क्रोन कितने होंगे, सिंपली 125 येन के। अब आ जाएं वापस आप डॉलर की तरफ, तो जनाब डॉलर कितने का था येन के हिसाब से, $0.01 पर येन था, तो 125 येन जो है वो कितने डॉलर बनेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 0.01 से, तो ये बन जाएंगे आपके पास $1.25। इट मीन्स नाउ यू आर गेनिंग मोर देन $1। ठीक है, यू आर गेनिंग एन एक्सेस ऑफ $0.25, विच मीन्स देयर इज अ ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है इस सवाल का, वो इसी तरीके से होगा कि जनाब आप लोगों ने ये जो पूरे मैंने स्टोरीज के अंदर लिखी हुई भी है कि किस तरीके से आपने काम करना है, और अगेन आपका आखिर के ना 25 सेंट्स का आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट ये कहता है कि जी कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पर ये आर्बिट्रेज खत्म हो जाएगा। तो देखें हमें, क्योंकि हमारे पास दो करेंसीज डॉलर के टर्म में एक्सप्लेन है, ठीक है, तो हम लेट सपो हम जो रखेंगे, हम रखेंगे डॉलर की रेट को कॉन्स्टेंट, यानी येन और क्रोन का जो आपस का रेट है वो हम देखेंगे, लेकिन बाकी जो ये पर डॉलर पर येन है या डॉलर पर क्रोन है वो समझें कि ये कांस्टेंट है। तो अब आपको एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेज, यानी कोई ऐसी ऐसा रेट हो जाए कि जिससे जो है ये आर्बिट्रेज निकले ही ना, यानी जितने आप कन्वर्ट करें एट द एंड आपके पास वापस से वही $1 ही आ रहा हो। तो क्योंकि डॉलर से ही स्टोरी है तो हम डॉलर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। हम बात करेंगे इस करेंसी की, ये येन पर क्रोन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए 25 येन पर क्रोन है। तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि आपको पता चल रहा है कि जी आप अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छा वाला कौन सा वाला पार्ट था, ये नीचे वाला, यानी जो सेकंड वाला था, यानी जो अच्छा ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुआ है वो लास्ट में। इसमें क्या है कि क्रोन की हम पहले डिमांड कर रहे हैं, सही है, डॉलर को बेच के पहले क्रोन खरीद रहे हैं। तो जब आप क्रोन खरीदते हैं तो क्रोन खरीदेंगे तो क्या होगा कि क्रोन खरीदने से सबसे पहले आपने क्रोन खरीदा, क्रोन खरीदने से ये हुआ कि क्रोन की डिमांड
बढ़ रही है, तो क्रोन की डिमांड बढ़ रही है, और आपने उसके बाद क्या करा है, आपने क्रोन से फिर येन खरीदा है। यानी क्रोन और येन के अगर रेट्स को देखा जाए तो हम कहेंगे कि जी क्रोन की सप्लाई अब बढ़ रही है, क्रोन बढ़ रहा है क्योंकि क्रोन से आप येन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और येन की डिमांड बढ़ रही है और क्रोन की सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो इट मीन्स कि वो अप्रिशिएट होने लग जाता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जनाब इसको जो है ना वो अप्रिशिएट होना है, यानी ये जो रेट है ये पर क्रोन के हिसाब से जो लिखा हुआ है इसके रेट को जो येन है, क्योंकि देखिए पर, अब इसको भी समझने की जरूरत है यहाँ पे कि पर क्रोन अगर 25 लिखा है, तो मैं अगर कहूँ लेट सपोज यहाँ 20 आ गया, 20 येन पर क्रोन, तो क्या लगता है क्या चीज़ अप्रिशिएट हुई? तो ये क्लियर रखें कि अप्रिशिएट वही वैल्यू हुई होगी जो ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू को कम कर दिया। कम करने का मकसद ये है कि 1 क्रोन में पहले 25 येन आते थे, अब 1 क्रोन में 20 येन आ रहे हैं, इट मीन्स येन महंगा हो गया। और यकीनन जब येन की डिमांड बढ़ेगी तो येन महंगा होगा, तो येन अब यानी जो ये रेट है ये 25 येन पर क्रोन नहीं रहेगा, ये इससे कम होना है। अब कम कितना होना है कि आर्बिट्रेज ना रहे, वो सिंपली आप ये करेंगे कि डॉलर को क्योंकि आपने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, आप इनकी वैल्यूज को देखेंगे। आपने इनकी वैल्यूज को कैसे देखना है, 0.20 पर क्रोन था और 0.01 पर येन था, आपने इसी तरीके से इसको जो है वो डिवाइड करना है और आपके पास आंसर आएगा कि आपका येन पर क्रोन कितना होना चाहिए। तो ये आ गया जनाब इसका आंसर 20। तो इट मींस 20 येन पर क्रोन आपको आपका जो रेट निकला वो ये निकला कि जी 20 येन पर क्रोन आपका जो है वो रेट है। 20 येन पर क्रोन का किस तरीके से अगर इसको हम ज़्यादा थोड़ी और एफिशिएंटली सी कैलकुलेशन करके दिखाएं तो वो कैसे होगी, क्योंकि शायद हो सकता है इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा किस तरीके से होगी। तो देखिए मैं आपको इसको ना तरीके से करके भी दिखाया था कि ये किस तरीके से ऐसा बन जाएगा। तो होगा ये कि आप इसको जरा रेसिप्रोकल कर लेंगे, डॉलर के टर्म्स में लिखा हुआ है ना ये क्रोन और येन के अलग अलग टर्म्स में, हम इसकी बेस को सेम कर लेते हैं यानी ये डॉलर्स में। तो अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 100 येन ठीक है पर डॉलर और 5 क्रोन पर डॉलर, तो डॉलर से डॉलर तो कैंसिल हो गया यानी दोनों बेस तो सेम ही हो गए। अब सिंपली आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 येन पर क्रोन। इट मींस कि आपका ये रेट अगर एग्जिस्ट कर गया मार्केट में तो अब आपको कोई आर्बिट्रेज नहीं होगा और कोई भी आपका जो है वो प्रॉफिट आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला सवाल, क्योंकि लेंदी भी था और थोड़ा समझाने वाला भी, तो ये मैंने समझा दिया। अच्छा, इसके बाद ज़रा आ जाते हैं नीचे इसके दूसरे सवाल के। वो सवाल क्या है जी कि स्पॉट एक्सचेंज रेट जो डॉलर और स्विस फ्रैंक के दरमियान है वो फ्लोटिंग और फ्लेक्सीबल है, अब हमें ज़रा बताएं कि इसका क्या इफेक्ट होगा एक्सचेंज रेट के ऊपर। देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड फॉर यूएस एक्सपोर्ट। अब एक एक करके बारी मतलब ये ना ए बी सी डी इन्होंने सिनेरियोस बताए एक्सचेंज रेट से हवाले से पूछ। अगर वो कह रहे हैं कि ये बताएं कि अगर लार्ज इंक्रीज मतलब ज़्यादा इंक्रीज आ गया स्विस की डिमांड में फॉर यूएस एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी जो यूएस जो एक्सपोर्ट कर रहा था एज यूएस कल्चर बिकम मोर पॉपुलर इन स्विट्जरलैंड, यानी जो यूएस की एक्सपोर्ट्स थी उसकी डिमांड बढ़ गई है, यानी इट मींस कि अब स्विस इंपोर्ट करेगा यूएस के प्रोडक्ट्स को, तो अब क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि देखें जब स्विस अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसको पेमेंट किस में करनी है, डॉलर्स में करनी होगी, डॉलर्स की वो डिमांड बढ़ाएगा और स्विस फ्रैंक की सप्लाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ स्विस फ्रैंक एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ डॉलर। इससे क्या होगा, जब इंक्रीज सप्लाई हो जाएगी किसी भी चीज़ की, जब सप्लाई बढ़ती है तो वो सस्ता हो जाता है, उसकी डिमांड बढ़ती है महंगा हो जाता है। तो जो अगर रेट की बात करी जाए डॉलर ओवर स्विस फ्रैंक की बात करी जाए तो क्या होगा कि इस रेट के अंदर ये होगा कि पहले अगर स्विस फ्रैंक के अंदर एक स्विस फ्रैंक के ऊपर $10 मिलते थे, अब आपका डॉलर महंगा हो गया होगा, तो अब एक स्विस फ्रैंक के ऊपर आपके जो डॉलर है वो कम मिलेंगे। इट मीन्स जो आपका एक्सचेंज रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यानी स्विस फ्रैंक के मतलब स्विस फ्रैंक डेप्रिशिएट हो जाएगा और डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा। दूसरा पार्ट, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन स्विस डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इन यूएस डॉलर। भाई इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड बढ़ गई कि हम यूएस के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे बड़ी अच्छी इकोनॉमी। सेम सिनेरियो अगेन, डिमांड करने अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे तो आपको अगेन डॉलर चाहिए होंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर अप्रिशिएट होगा और जो आपका एक्सचेंज रेट है स्विस का एक्सचेंज रेट यानी स्विस की जो करेंसी है वो डिवेल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी सप्लाई बढ़ रही है। तीसरे सिनेरियो में जी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई यूरोप में। अब क्या हो रहा है कि यूएस इन्वेस्टर्स ने जो है वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया यूरोप से और वापस यूएसए लेके जाना है, तो लाजमी है जब वापस से वो पैसा निकालेंगे अगेन स्विस की क्या होगी, स्विस करेंसी को वो बेचेंगे और अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके अपने मुल्क में लेकर आएंगे, अगेन सप्लाई जो है वो डॉलर की स्विस बैंक की इंक्रीज होगी और डॉलर अप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है, और क्योंकि सप्लाई स्विस बैंक की इंक्रीज हो रही है तो स्विस बैंक डेप्रिशिएट।
अच्छा फोर्थ एंड द लास्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन, यूएस डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड फॉल। अच्छा जो यूएस की जो डिमांड थी ना डॉलर्स की, सॉरी जो स्विट्जरलैंड की जो गुड्स वो हासिल कर रहे मतलब पहले जो है वो ले रहे थे, अब वो उन्होंने गिर गई है उनकी। अब देखिए जब लाजमी है जब कोई चीज़ की आप इम्पोर्ट करते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया था, तो अगर आप उसको क्या कर रहे हैं डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर यूएस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो जब वो उन्होंने वो पहले इम्पोर्ट कर रहे होंगे स्विट्जरलैंड से चीज़ें, तो वो स्विस फ्रैंक की डिमांड कर रहे होंगे। बट अभी करंटली क्या होगा, अब होगा ये कि अब वो डिमांड नहीं करेंगे, इम्पोर्ट नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे, इम्पोर्ट की डिमांड नहीं है, तो इट मीन्स स्विस फ्रैंक की डिमांड नहीं रहेगी। और जब स्विस फ्रैंक की डिमांड नहीं रहेगी तो अगेन यही होगा कि स्विस फ्रैंक की डिमांड कम हो जाएगी, तो स्विस फ्रैंक कम हो जाएगा और डॉलर अप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज इन द डिमांड फॉर फ्रैंक से, जैसे ऊपर वालों में तीनों में इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फ्रैंक था, जिसकी वजह से सप्लाई स्विस फ्रैंक का वो गिर रहा था, इधर डिमांड के गिरने की वजह से स्विस फ्रैंक गिर जाएगा। बस एक ये चीज है, ठीक है। अच्छा जी दसवें सवाल पर आ जाते हैं जल्दी से। अच्छा इसमें क्या है, एज्यूम करें कि स्पॉट एक्सचेंज रेट है डॉलर और स्विस फ्रैंक का फिक्स। फिक्स का मतलब होता है भाई उन्होंने बिल्कुल एक कैप लगाया है, बस ये है रेट, और पैक विद इन द नैरो बैंड अराउंड द सेंट्रल रेट। इट मींस पैक का मकसद होता है कि सर्टेन परसेंटेज होती है, वो उस परसेंटेज यानी 10% या 2% रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, बस वो एक रेंज होती है, उससे आगे पीछे नहीं जा सकता। अब वो बोलने वही जो प्रॉब्लम 9 के अंदर जो क्वेश्चन थे उसमें बताएं, बस ये एज्यूम कर लें कि एज्यूम दैट जस्ट बिफोर द चेंज ऑफ प्राइवेट और नॉन ऑफिशियल सप्लाई एंड डिमांड इंटरसेक्टेड द इक्विलिब्रियम। कि जो क्योंकि देखें जब आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है तो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ले आती हैं एक्सचेंज रेट को, जो हमारे यहाँ नॉर्मली हम कहते हैं कि खुद से डिटरमिन होता है, मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट होता है। लेकिन जब आप फिक्स करते हैं तो आप किसी चीज़ को फिक्स कर देते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि बताएं कि अगर जो प्रॉब्लम 9 के अंदर जो भी चेंजेस हैं, मतलब प्रॉब्लम 9 के अंदर जो भी सिनेरियोस बताएं, क्या नेसेसरी इंटरवेंशन चाहिए होगी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को कि वो डिफेंड कर सकें। क्योंकि लाजमी चाहिए देखें फिक्स एक्सचेंज रेट को आपने रखना है, तो रखने के लिए यकीनन अगर आपको लगेगा कि नहीं जी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो आपको अपने, तो अगर आपकी लेट सपोज मैं इसकी सिनेरियो इस तरह समझाऊँ कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ 100 रुपये का था, अब आपको पता चला कि जी बहुत लोग बाहर जा रहे हैं और सब डिमांड कर रहे हैं डॉलर की और हमारे करेंसी की तो सप्लाई बढ़े चले जाती है। अब आपको अगर अपनी करेंसी को उसी के ऊपर रखना है, क्योंकि आप करेंसी होगी आपकी डेप्रिशिएट, क्योंकि जब सारी आवाम बाहर जा रही है डिमांड कुछ और कर रही है, आपके पैसा तो डिमांड नहीं कर रही उल्टा सप्लाई कर रही है, तो आपकी तो वैल्यू गिरेगी। अब आपको इसको डिफेंड करने के लिए यकीन है डिमांड बढ़ानी पड़ेगी आपका पाकिस्तानी रुपीज़ की, क्योंकि आपके पास वही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो इसको डिफेंड कर सकते हैं। तो अब यही सिनेरियोज अब हम वापस ज़रा देख लेते हैं कि जी 9th वाले के अंदर क्वेश्चन था क्या भाई। पहला था सिंपली हमें पता है कि जी क्या हुआ कि लार्ज इंक्रीज आ गया था स्विस की डिमांड में यूएस एक्सपोर्ट की, और जो उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ा दी थी, तो उन्होंने बढ़ा दी थी एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या हो गई थी, एक्सपोर्ट कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट की डिमांड जो है स्विस ने बढ़ा दी थी यहाँ स्विट्जरलैंड ने, जिसकी वजह से अब उनकी जो करेंसी थी वो एक तरीके से सप्लाई ज़्यादा हो रही थी और डिमांड कर रहे थे लोग डॉलर की। तो अब इस सिनेरियो में हमने बता दिया था पहले ही कि जी इंक्रीज़ हो रही है सप्लाई ऑफ स्विस फ्रैंक और डिमांड जो है वो डॉलर, और डिमांड जो है वो डॉलर की इंक्रीज़ हो रही है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या होगा, तो अब देखें अब इसमें होगा क्या कि क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है स्विस फ्रैंक की, तो एक डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है करेंसी के ऊपर। अब इसको करेंसी को वापस से अपलिफ्ट ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो जो है वो बाय करने लग जाएंगे स्विस फ्रैंक, ठीक है, और डॉलर की सप्लाई बढ़ा देंगे, यानी डॉलर से अपनी करेंसी को जल्दी जल्दी गवर्नमेंट मॉनिटरी अथॉरिटीज़ उसको कन्वर्ट करेगी, डिमांड करेगी स्विस फ्रैंक की, ताकि स्विस फ्रैंक की जो सप्लाई एक्सीड हुई है उसको कम किया जा सके किस तरीके से, उसकी डिमांड बढ़ाकर। सेम सिनेरियो नीचे वाले में भी होगा, उससे नीचे वाले में भी होगा, तीनों में यही होगा। चौथे में डिमांड कम हो रही थी, अब डिमांड कम हो रही थी अगेन, यहाँ भी खैर सिनेरियो वही रहेगा, क्योंकि जब डिमांड भी कम हो रही है तो भी स्विस फ्रैंक डेप्रिशिएट हो रहा है, तो स्विस फ्रैंक को बढ़ाने के लिए अगेन सप्लाई बढ़ा, डिमांड कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सप्लाई बढ़ रही थी तो मीट करना था डिमांड को, और यहाँ जो है लाजमी सी बात डिमांड कम हो रही है तो उस डिमांड को वापस से बढ़ाना है। क्योंकि अगर उसको नहीं बढ़ाया, क्योंकि देखें आप सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते डॉलर की, वो कैसे बढ़ाएंगे, वो तो आपकी करेंसी नहीं है, तो आपको डिमांड ही बढ़ानी पड़ेगी अगेन। और डिमांड किस तरीके से कि आप कन्वर्ट करेंगे और डॉलर को जो है वो अपने पास जो भी होंगे उसको बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारी गवर्नमेंट्स भी करती हैं। अच्छा तो जी क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, इसके बाद बस एक और क्वेश्चन रह गया सॉरी। अच्छा वो ये है कि जी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर है, उसको दो कोट्स मिले, यानी एक बैंक बोल रहा है कि मैं जी $1.5 पर स्विस बैंक के हिसाब से आपको स्विस बैंक खरीदना बेचना कर लूँगा आपके साथ, दूसरा बैंक कहता है मैं 0.50 स्विस फ्रैंक पर डॉलर के साथ, यानी दोनों के जो रेट्स हैं
क्वेश्चन में एक दूसरे के रेसिप्रोकली लिखे हुए हैं टर्म्स, मतलब एक स्विस फ्रैंक की टर्म्स में एक डॉलर की टर्म्स में। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्या इसमें कोई प्रॉफिट की आर्बिट्रेज प्रॉफिट का कोई है चांस, अगर है तो कैसे। तो देखिए बहुत सिंपल है वो, इस तरीके सिंपल है कि जी इसके अंदर आपको जाना है और आप सिंपल इस रेट्स को लिख लें ज़रा कि क्या क्या रेट्स हैं। एक रेट है जनाब आपका तो इसके अंदर जो रेट है आपका वो ये है कि एक रेट है जी कि आपका 1.50 पर स्विस फ्रैंक, और दूसरा है जी स्विस फ्रैंक कितना 0.50 पर डॉलर। अब इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें लड़ाने की, दिमाग लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिंपल सबसे पहले सोल्यूशन क्या है आपके पास, आप दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के सेम टर्म में लिख लें, यानी लेट्स सपोज अगर ये डॉलर की टर्म में, हम इसको भी डॉलर की टर्म में लिख लें, आपके पास सिंपली एक बात आ जाएगी कैसे कि अभी ये स्विस फ्रैंक की टर्म में अगेन वही 1/1.50 कर लें आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास $0.66 स्विस फ्रैंक पर डॉलर, ठीक है, स्विस फ्रैंक पर डॉलर। अब क्या रह गया, स्विस फ्रैंक पर डॉलर आ गया और ये था स्विस फ्रैंक पर डॉलर। आपको सामने नजर आ रहा है कि जी ये जो बैंक ए है आपका वो आपको डॉलर के मद में ज्यादा स्विस फ्रैंक दे रहा है बनिस्बत इसके। तो अब आप आर्बिट्रेज कैसे करेंगे, आप सिंपली अगर आपके पास डॉलर होंगे आप डॉलर लेकर जाएंगे इसके पास, ठीक है, और सॉरी आपके पास डॉलर होंगे तो आप डॉलर लेकर जाएंगे इसके पास 0.66 स्विस फ्रैंक ये आपको देगा एक डॉलर के बदले, और आप उसमें से 0.66 में से 0.66 स्विस फ्रैंक में से आप क्या करेंगे, आप 0.50 स्विस फ्रैंक जो हैं वो जाके इस बैंक को देंगे और इससे एक डॉलर ले लेंगे। तो आपके पास एक डॉलर भी आ गया और आपके पास 0.16 स्विस फ्रैंक भी बच गया। इट मींस कि आपका प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है, यानी आप इसको यूं भी कह सकते हैं, मैंने दूसरा तरीका बताया है, वरना आप क्या करेंगे 0.66 स्विस फ्रैंक इसके पास लेकर जाएंगे तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको ज़्यादा डॉलर दे देगा, सिंपल। तो जनाब देखें एक तो यही तरीका था, दूसरा तरीका ये है कि लेट सपोज आप 0.66 स्विस फ्रैंक लेकर जाते हैं इसके पास और बोलते हैं मुझे इसके इक्विवेलेंट डॉलर दे दो। तो इसका सिंपली तरीका ये होगा कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 0.66 को आप 0.50 से कर लें, क्योंकि ये एक डॉलर के बराबर स्विस फ्रैंक कितने मिलते हैं, तो आपको कितने डॉलर मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे तो आपको बेस सेम है अगेन, तो आपको $1.2 मिल जाएंगे, यानी आपको $0.2 का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसके अंदर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें इन्होंने किस तरीके से करा है इसके अंदर, जो मैंने इसमें इधर लिख दिया था वो ये कि जी आप बैंक ए इज़ अ कोटिंग रेट ऑफ 0.67, यही सेम सिनेरियो दिस कैन बी कंपेयर्ड बाय बी, और ये बाय डॉलर करें और आप जो है आपके पास क्या 0.17, यानी अब मैंने 66 लिखा हुआ है वो अगर आप उसको ज़्यादा थोड़ा 6666 को राउंड ऑफ कर लेंगे तो 0.17 भी बन सकता है, ठीक है। तो यही सेम सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया और इसको थोड़ा मैंने एक एक समझने के वैल्यूज को थोड़ा बढ़ा कर लिखा। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं उसके बाद एक से फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, जो कि थोड़ा सा अगेन डिटेल्ड है लेकिन इसको भी समझ लेते हैं। तो जी इसमें यह है कि आप एक एनालिस्ट हैं और आपकी मीडियम साइज कंट्री है, फिक्स एक्सचेंज रेट है 5 दिनार पर यूएस डॉलर आपका एक्सचेंज रेट विद अ बैंड ऑफ 2% अबव एंड बिलो दिस पार वैल्यू। इट मींस 2% का मतलब हो गया कि जनाब 5 का अगर आप 2% निकालें तो वो बनता है 0.1 का मतलब 5.1 अबव, और अगर उसको 0.1 को आप माइनस कर लें 5 में से तो 4.9, यानी 4.9 से लेके 5.1 तक के बैंड के अंदर आपका ये रेट घूमेगा, पैक्ड होगा। अच्छा, ड्यूरिंग मार्च लास्ट ईयर यू नो दैट द कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी इंटरवेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय बाइंग यूएस। अच्छा देखें, अब उनका कहना यहाँ पे ये कि जी एक तो रेट था फिक्स, अब जैसे हमने ऊपर भी ये बात पढ़ी है कि जी किस तरह इंटरवीन करेगी, कब इंटरवीन क्या करेगी, तो वहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए। तो यहाँ वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जी आपकी मार्च में आपकी कंट्री के अंदर इंटरवीन किया आपकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी, किस तरह किया, उसने $2 बिलियन बाय कर लिए। इट मींस कि अब आपको समझें कि वो कह रहे हैं कि $2 बिलियन बाय कर लिए। बाय का मकसद क्या हुआ कि वो उसने डिमांड बढ़ा दी, उसने अगर आप उसने किस करेंसी की डिमांड बढ़ाई है, बाय किए डॉलर बाय किए, यानी सप्लाई बढ़ाई है अपने दिनार की और डॉलर को उसने परचेज कर लिया। अच्छा, ऐसा आप कब करते हो,
ये आप उसी वक्त करते हो जब आपका जो डॉलर है, अगर आप एक बार अगर आप सोचो तो आपका जो डॉलर है, ओ सॉरी, जो आपकी करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही होगी। जब वो एप्रिशिएट हो रही होगी और आपको उसको एप्रिशिएट नहीं होने देना उसको, मतलब वो, क्योंकि फिर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है आपने तरीके से ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसके अंदर आपको जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है और आपको थोड़ा नीचे ही रखना है, तो आप यकीनन जो दूसरी करेंसी है इसके अगेंस्ट आपने उसको पे करा हुआ है, एक्सचेंज रेट फिक्स किया हुआ है, आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये बोलने हैं अप्रैल के अंदर उसने क्या करा, सेल कर दिया $3 बिलियन। इट मीन्स यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ उसने सप्लाई बढ़ाई है डॉलर की। ये कब बढ़ाई होगी, यकीनन जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होगी, उसकी सप्लाई एक्सेस हुई भी होगी, तो आपने क्या करा कि डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी और कन्वर्ट करवा लिया उसको किसमें। लाजमी सी बात है, जब आप डॉलर की सप्लाई बढ़ा रहे हैं वो क्या रहे हैं कि आप जो है वो रुपीज की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि आपने कहीं फ्लोट कर दिया, सिंपल आपने उसके अगेंस्ट में कोई और चीज़ ले ली। बाय भी तो कुछ करा ही होगा ना, सेल करा है तो किसके अगेंस्ट में सेल करा है, तो बाय जो है वो अपने दिनार कर लिए इस केस के अंदर, तो यकीन दिनार की डिमांड बढ़ गई और जो डॉलर है उसकी सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है जनाब। तो यहाँ जो मेन, अब यहाँ पे सिनेरियो है वो ये है कि कह रहे हैं कि जी आप हमें चेंजेस बताएं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, कि किस तरीके से ये चेंज जो है वो आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे और क्या आप इसमें बताना चाहेंगे। तो अब देखिए मैं इसको जो है ना आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है ये तरीका, और ये हमारी मुल्क के अंदर भी और मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ फिक्स रेट होता है कभी या आर्टिफिशली भी रोकना होता है, तो हम फिर बहुत आगे बातें इसमें आती हैं कि जी किस तरीके सारी बातें। बहरहाल अभी देखिए, अभी जो बात है वो यहाँ पर ये है कि जी आपके पास दो चीजें क्या थी आपकी, क्या मैं एक बार फिर देखूँ। पहली बात तो ये देख लें, दिमाग में रखिएगा आप, क्योंकि देखें हमेशा हमारे पास ना ये डिफरेंट क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, इसमें हर जगह ना रेट किस तरह लिखा होता है ये पढ़ना बहुत आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। 5 दिनार्स पर डॉलर, आप यहाँ आप समझें, अगर आपसे कोई बोलता है जी मेरी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, यानी दिनार मेरी करेंसी थी, मेरी दिनार करेंसी अप्रिशिएट हो गई, तो बताओ इस एक्सचेंज रेट के साथ क्या होगा, मैं इसको लिखूंगा कैसे। अगर ये लिखा हुआ है जी 4 दिनार पर डॉलर, ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ है 6 दिनार पर डॉलर, तो आपको क्या लगता है मेरी करेंसी कहाँ अप्रिशिएट हो, दिनार कहाँ अप्रिशिएट हो। तो गौर से देखिएगा कि जब भी जो चीज़ न्यूमरेटर में लिखी होती है, न्यूमरेटर में दिनार, अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है, अगर आप इसी करेंसी की बात कर रहे हैं और इसकी वैल्यू कम नज़र आ रही है, जब पहले 5 थी अब 4, 3, 2, तो यही अप्रिशिएट हो रही, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वाली है वो अप्रिशिएट नहीं हो रही, वो डेप्रिशिएट हो रही इस केस में। और अगर आपके ये दिनार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये दिनार डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप समझें इस बात को कि पहले अगर पाकिस्तान, पहले आपको $1 पे 60 रुपये मिलते थे, तो अगर आपका रेट बनेगा तो आप इस तरह लिखेंगे ₹60 पर डॉलर। तो अगर मैं कहूँ जी अब मेरी करेंसी क्या हो गई, तो मैं कहूँ जी 260, अब तो खैर इससे भी ऊपर निकल गई, ₹260 पर डॉलर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अप्रिशिएट हो गया, मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। पहले उस डॉलर में लोगों को ₹60 मिलते थे, अब वो डॉलर पे मेरी करेंसी इतनी सस्ती हो गई, मैं ₹260 देने को दिया, ठीक है। तो अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट का ये समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं जब बताऊंगा तो समझ में आना चाहिए। अब जनाब ये हमने बना लेते हैं ये दिनार्स और ये डॉलर, ठीक है, ये तो एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है दिनार पर डॉलर का और ये डॉलर की बात। आपके पास ये डिमांड और ये सप्लाई थी, अगर आप इक्विलिब्रियम में होते तो फिर तो ये फिक्स नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल ही होता। आप समवेयर इधर हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, आपका ये रेट है। अच्छा, अब आपको दो रेट दिए मैंने, अब आपके दो रेट्स के लिए मैंने ये दो लाइनें बना ली, ठीक है, मैं इस लाइन को तो हटा ही देता हूँ फ्लेक्सिबल वाली को, क्योंकि इसका ताल्लुक इससे है नहीं, तो हम इसको बना कर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक है 5.1 जो कि 2% था, और एक है 4.9। अब आपको इसके बीच ही रहना है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपके बने हुए हैं, ये रेट्स हो। अब उनका कहना ये है कि पहले सिनेरियो में $2 बिलियन जो हैं वो आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या हुए हैं, इंजेक्ट हुए हैं, या आप ये कह लेंगे आपकी इकोनॉमी, सॉरी, आपकी इकोनॉमी से खरीदे गए हैं। अच्छा, तो जनाब 2 बिलियन जो है वो बाय कर लिए गए हैं, यानी आपकी इकोनॉमी में $2 की डिमांड बढ़ाई गई है, ठीक है, पहली बात, एक चीज़ तो जी डॉलर की डिमांड बढ़ा दी। अब हुआ क्या होगा ऐसे सिनेरियो में, मैंने आपको बताया कि इट मीन जो आपके दिनार की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट, सॉरी, वो अप्रिशिएट हो रही होगी। तो जब वो अप्रिशिएट हो रही होगी
तो अब आप मुझे बताएं कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो रही होगी। 5 से 5 था ना ये बीच में, 6 6, उससे 5.1 की तरफ जा रही होगी दिनार पर डॉलर, या 4.9 की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो अब आप ये समझें कि क्या क्या होना होगा। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी क्लास तो ये है नहीं। तो जनाब वो 4.9 की तरफ, 4.9 से, क्योंकि 4.9 तक तो वेरिएबल था, उससे भी और नीचे जा रही होगी। तो जब आपको ज़्यादा नीचे जा रही होगी तो हो क्या रहा होगा कि तो देखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे जाएगी इट मीन्स आपकी करेंसी, आपका दिनार महंगा होता जा रहा है ना। यानी 1 डॉलर में पहले 5 दिनार मिलते थे, 4.9 मिलेंगे, फिर 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, तो ये तो आपकी इंक्रीज हो रही है अप्रिशिएट। तो उस एप्रिशिएशन को रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने फिक्स रखना था, वो क्या कर दिया उन्होंने, डिमांड। अच्छा, आप इन्होंने डिमांड कैसे बढ़ाई, क्योंकि ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो उन्होंने इसकी डिमांड बढ़ा दी और ये डिमांड का नया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने डॉलर, आप कह रहे हैं डॉलर बाय कर रहे हैं, डिमांड बढ़ाई है उसी एक्सचेंज रेट के ऊपर रहते हुए, उन्होंने क्या करा उसकी डिमांड बढ़ा दी। अब उसकी जब डिमांड बढ़ी है तो अब क्या हुआ है, देखिए पहले इस पोर्शन को अगर आप देखें तो आप इसको ट्रम करेंगे कि जनाब इधर तो एक्सेस सप्लाई थी डॉलर की, जब एक्सेस सप्लाई से वो कन्वर्ट हुआ है, जब डिमांड बढ़ गई है, अब यहाँ क्या नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है कि जी अब एक्सेस डिमांड हो गई। ठीक है, डॉलर की अगर आप इस नए ग्राफ के D2 और S1 को देखें तो इसका ये पॉइंट देखें अगर 4.9 वाला, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब जी एक्सेस डिमांड हो गई। और आपको पता है कि जब एक्सेस डिमांड हो जाती है किसी भी चीज़ की तो वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगी, यानी अब वो ऊपर जाएगी। कहाँ पे जाएगी, अब करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होगी क्योंकि अब आपके एक्सेस डिमांड हो गई है डॉलर की। तो डिमांड जब ज़्यादा हो गई तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, अब वो ऊपर की तरफ जाएगी। और इनको ऊपर तक कहाँ तक जाने देना है, 5.1 तक के। लेकिन कहीं अगर 5.1 से और ऊपर जा रही होगी तो अगेन फिर वो क्या करेंगे, फिर वो डॉलर्स को सेल करेंगे, और जो कि उन्होंने दूसरे सिनेरियो में करा है। दूसरे सिनेरियो के अंदर जनाब क्या होगा, अगर हम यहीं से बात देख लें, लेट सपोज हम यहाँ, ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि ये जी पहला मेरा ग्राफ था, ये D2 जो मैंने लिखा है, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसको, मेरे पास सपोर्ट की एक सहूलत मौजूद है, तो मैं इसको D1 लिख देता हूँ, इसको D2। तो मैं कहूँ कि जी पहले मेरे पास यहाँ पर था ये सिनेरियो, ठीक है, या बल्कि मैं इसको भी अलग ही बना लेता ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में भी आ जाए, क्योंकि इसका मुझे फिर इसको करना पड़ेगा। तो जनाब ये तो हो गया सिनेरियो ए, मैं बना रहा हूँ सिनेरियो बी, सॉरी फॉर दिस रफ डायग्राम। तो दिनार्स और ये तो होगा डॉलर्स। अब आप सिंपल ये समझें कि जनाब ये आपके पास सप्लाई था, ये आपके पास डिमांड थी, और आपका ये पॉइंट था फिक्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, बट हाउएवर आप किसी एक पॉइंट के ऊपर थे, वो पॉइंट था आपका यही अगेन, मैं इसको भी बना लेता हूँ कि ये एक ये हो गया रेट, एक बहुत ज़्यादा रफ, आपका एक पॉइंट था ये, आपका एक पॉइंट था समझने ये, और आपका एक पॉइंट था थोड़ा सा ऊपर ये 5.1 और 4.9 अगेन। आपको नजर आ रहा है जी क्या हुआ है, आपके पास यहाँ पे भी एक्सेस सप्लाई है। अच्छा, तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि एक मिनट रुक जाएगा, डिफरेंट हुआ कलर से भी बना। तो समझें कि अब आप इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि ज्वाइन करते हैं कि आपके सामने है कि क्या हुआ कि जी मार्च में ये सारे सिनेरियो हुआ और जी 2 बिलियन की बाई किए गए डॉलर, डिमांड बढ़ाई गई, और अब आप यहाँ से इस वाले सेगमेंट के ऊपर आ चुके थे। ठीक है, इस सेगमेंट पर, यानी आप जो है वो अगर आप यहीं से कंटिन्यू करें तो डिमांड वन और जो सप्लाई थी ये, उसमें जो आपके जो रेट्स थे, जो पैग रेट थे जिसको आप कहते हैं, वो सारे ये दोनों थे 5.1 और 4.9। यानी अब आपका रेट ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब जब आपका रेट ऊपर की तरफ जाने लगा तो इट मींस क्या हुआ कि आपकी जो कहने सप्लाई थी वो दिनार की बढ़ गई, दिनार की, ठीक है, क्योंकि डिमांड जो है जब वो डॉलर की बढ़ी है तो लाजमी सी बात है सप्लाई वो दिनार की बढ़ जाएगी। आप इसको यूँ भी ले सकते हैं कि जी डिमांड जो है वो आपकी
डॉलर की, क्योंकि यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है कि अब एक्सेस डिमांड हो गई थी, एक्सेस डिमांड होगा इसको पूरी करने के लिए क्या हुआ कि वो डिमांड जब ज्यादा बढ़ी है तो हुआ ये कि डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी। अब डॉलर की डिमांड जब बढ़ने लगी तो हुआ ये कि जनाब आपकी जो करेंसी थी, डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होने लग गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिनार है, क्योंकि यहाँ जो मैंने डिमांड बढ़ने की बात लिखी है वो बाद की बात है ये वाली, पहले तो जो है वो जनाब आपके के पास क्या हुआ हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सप्लाई ज़्यादा थी डॉलर की, ठीक है, और डिमांड कम थी। लेकिन उसके बाद आपने सारा इंजॉय बाय करे, 2 बिलियन डिमांड करी, तो अब आपके जो आगे का सिनेरियो है वो ये कि अब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि होगा क्या कि आपके एक्सचेंज डिमांड है डॉलर की, जब वो और ऊपर जाएगी तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, और डेप्रिशिएट के अंदर क्या होगा, जो आपका एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है वो 5.1 से भी ऊपर जाएगा। अब लाजमी सी बात है मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को यहाँ भी इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि 5.1 से ऊपर जाएगा तो ये भी उनको मंजूर नहीं है। अब क्या हुआ कि डिनार डेप्रिशिएट हो रहा था, अब इन्होंने क्या करा कि इस सूरत के अंदर 3 बिलियन डॉलर जो है वो सप्लाई कर दी, सप्लाई क्या करा इन्होंने बढ़ा दी, ये सप्लाई इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दी, तो ये आप कह लें S1 से S2 पर आ। जब इन्होंने सप्लाई बढ़ाई, अब सप्लाई बढ़ाने से इनका क्या हुआ है कि अगर आप, मैं असल में तो मैंने थोड़ा ज़्यादा आगे बना दिया इसको, तो अब आप ये समझें कि सप्लाई बढ़ाने से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ाने से ये हुआ कि अब वापस से अगेन डिमांड क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जी पहले अब ये ग्राफ सही बना है, तो पहले क्या हुआ कि जी दिनार क्योंकि सप्लाई बढ़ा दी, अब सप्लाई बढ़ाने से ये हुआ कि आपके पास जो यहाँ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी, अब अगेन आपके पास एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई है, सप्लाई फॉर डॉलर बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपने फिर एक बार कंट्रोल कर लिया अपने डॉलर्स को, दिनार की एक्सचेंज रेट को जो गिर रहा था उसको रोका। किस तरीके से आपने सप्लाई कर दिया डॉलर, क्योंकि वहाँ पे आपको नज़र आ रहा था सिचुएशन क्या थी, पहले एक्सेस डिमांड थी डॉलर की और यहाँ क्या थी पहले सिचुएशन, एक्सेस सप्लाई पहले थी तो आपने डिमांड बढ़ा दी डॉलर की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका रेट फिर काबू में आ गया, ज़्यादा नहीं बढ़ा, मतलब एक्सचेंज अप्रिशिएट नहीं हुई आपकी करेंसी, और दूसरे सिनेरियो के अंदर वो डेप्रिशिएट हो रही थी तो आपने उसको वापस से मजीद अप्रिशिएट करने के लिए डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था लास्ट वाला, लेकिन आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा इस क्वेश्चन को, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें, तो मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो और डिटेल के अंदर तरीके से मजीद समझाऊँगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेंदी वीडियो है बट स्टिल इट वर्थ। ठीक है।